इस चूज को ओपन कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, आप देख सकते हैं बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हेलो दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम एक प्लास्टिक के डिब्बे से एक बहुत ही शानदार एयर कूलर बनाने जा रहे हैं। और इस कूलर से आप बड़े आसानी से ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से ये कूलर बनता है, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और हम इस प्लास्टिक के डिब्बे से ऐसा कूलर बनाएंगे जो बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट कूलर होगा और बहुत ही तेज़ हवा देगा। तो दोस्तों जल्दी से इसको बनाते हैं, जब तक के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और इसको बनाने के लिए हम एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे। ये डिब्बा आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, घर पे किसी भी कोने में पड़ा होगा, आप ले लीजिए। आप चाहे तो कोई भी ले सकता है। और इस डिब्बे को लेकर हमें किस तरह से इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम ये कूलर बनाएंगे, तो दोस्तों चलते हैं सामान की ओर। तो दोस्तों जल्दी से हम सामान ले लेते हैं। हमारे पास है कूलर बनाने के लिए हमें एक छोटा चूच की ज़रूरत पड़ेगी। ये चूच आपको कई बार भी मिल जाएगा। और एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास है ये बहुत ही शानदार मोटर। हम इस मोटर की और इस कूलर के लिए हम एक छोटा सा फैन लेंगे। ये है छोटा फैन, बहुत ही पावरफुल हवा देगा। और एक डीसी मोटर, हम ये मिनी डीसी मोटर की यूज़ करेंगे। ये डीसी मोटर बहुत ही पावरफुल है और इससे आप बहुत ही हाई स्पीड हवा आती है। इसको भी हम ले लेंगे और थोड़े कुछ वायर लेंगे इसमें से। इसको हम साइड में रखते हैं और जल्दी से इस कूलर को बनाते हैं। सबसे पहले हम ये प्लास्टिक का डब्बा लेंगे और इसको हम इस तरह से कट किया हुआ है, इसको हम गर्म करके कट कर लेंगे। तो दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से गैस ऑन कर दिया है और इसको हम कट करेंगे इधर से। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है। अब हम इस तरह से इसको और यहाँ पर कट करेंगे। तो दोस्तों बड़े आसानी से हमने इसको कट कर दिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक को हमने काट दिया है गर्म करके और ये बहुत ही अच्छे से कट हो चुका है। अब हम आगे का काम करते हैं। तो दोस्तों एक हम डीसी मोटर लेंगे और कुछ इस तरह से हम ये फैन को इस डीसी मोटर के अंदर डाल देंगे। इस तरह से ये फिट हो चुका है और ये फैन काम कर रहा है। अब इस डीसी मोटर को दोनों वायर से हम कनेक्ट कर देंगे। पतले पतले दोनों वायर लेंगे और इस तरह से प्लस और माइनस कनेक्ट कर देंगे। इसमें डीसी मोटर को दोनों वायर को जोड़ देंगे। इस तरह से हम जोड़ रहे हैं, आप ही जोड़ दीजिए। कुछ इस तरह से हमने डीसी मोटर के दोनों वायर कनेक्ट कर दिए और ये फैन इसमें हमने लगा दिया है। और एक हम बैटरी लेंगे इस तरह से, ख़राब बैटरी, और इस बैटरी के ऊपर हम इस डीसी मोटर को ग्लू से अच्छे से चिपका देंगे। तो दोस्तों इसको चिपकाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हॉट ग्लू हम इस बैटरी के ऊपर डाल देंगे। और ग्लू डालने के बाद इस डीसी मोटर को यहाँ पर हम चिपका देंगे अच्छे से, जिससे बाहर ना निकले। और इधर भी हम ग्लू लगा देंगे बहुत ही मजबूती से। ये मोटर कूलर के अंदर लगने वाली है, इस कारण हम इसको बहुत ही अच्छे से टाइट करेगी। ग्लू अच्छे से इसमें लगा दिया हमने।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है और इसे कम और दोनों निकल चुके हैं। अब हम ये प्लास्टिक बॉक्स डालेंगे और इस तरह से हम इसको चिपकेंगे। आप देख सकते हैं अब तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। अब हम बैटरी को इसके अंदर है और इस तरह से हम इसको लगा देंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम इधर यहाँ पर ग्लू डाल देंगे और इसको हम चिपका देंगे। चिपकाने से सबसे पहले हम इधर प्लास्टिक के डिब्बे, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये इस चूज को यहाँ पर लगा देंगे। ये है दोस्तों 6 वोल्ट का और इस तरह से हम इधर एक ग्रुप बना देंगे और ग्लूप बना करके अंदर फिट कर गर्म करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, इन वायर को कट कर देंगे। वायर को हमने कट कर लिया है और ये चूच दोनों वायर हम इसे कट कर देंगे। जैसे ये प्लस है दोस्तों और ये माइनस वाला, इस तरह से अच्छे से हम कनेक्ट कर देंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों फाइनली हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको कट करके इस तरह चूज को अटैच कर देंगे। तो इसको गर्म करके हम चिपकाते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्रुप कर लिया है और इसे हम को साफ कर को अच्छे कर सकते हैं। अब हम इस स्विच को इसके अंदर दिया फिट हो बढ़िया लग चुका है, देख सकते हैं ऑन ऑफ है अच्छे से। दोनों वायर को हमने निकाला है और वैसे हम तो दोस्तों अब हम इसके अंदर को लगाते हैं, तो इस बैट फिट कर अच्छे से लगाने के। अब हम इस बैटरी पर चिपका देंगे, इसके मैंने इसको कर दिया है और इसको पर लगा देंगे जिसे ये बात ले। इसके हम ब्लू डाल देंगे, अंदर इस तरह से दिख रहा है और दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके अंदर अच्छे से फैन घूम रहा है और हम चिपका दिया है। जल्दी से इसकी वायरिंग कर देते हैं। इन दोनों वायर को हम अलग कर देंगे, कुछ इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। वायर आप देख लीजिए, ब्लैक वाला वायर है। इस ब्लैक वाला वायर को हम इस नेगेटिव चूज से कनेक्ट कर देंगे। इसको हम चिल देंगे और कुछ इस तरह से हमने ये दो वायर ले लिए है। ये सीधे 12 वोल्ट की बिजली करंट 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट हो गए। सबसे पहले इन दोनों को हम कनेक्ट रेड वाले वायर से ये ब्लैक वाला वायर कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इस वाले वायर को हम, ये वाला वायर है, इस वाले वायर को इधर कनेक्ट कर देंगे। ये भी अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, वीडियो बंद करते रहिए। अब हम इन वायर को चिपका देंगे टैप से। इस तरह से ये दोनों वायर को हम टैप से सील कर देंगे। इधर हमने लगा दिया है, इनके अंदर ये वायर आए। आप भी इस तरह से ये कूलर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक छेद करेंगे गर्म करके और इस वायर को बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको चिपका दिया है वायर को और ये कहीं भी टच नहीं होगे, फैन भी आसानी से घूम। और इधर छेद करके दोनों वायर को निकाल दिया है, ये डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई में जाएगी। और अब हम इस ढक्कन को पैक कर देते हैं। हमारा कूलर लगभग रेडी हो चुका है।
अच्छे से ये दिख रहा है। अब हम इसके को यहाँ पर कुछ डंडियाँ लगा देंगे जिससे ये अच्छा दिखेगा, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं एडजस्ट हवा के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे और इस तरह से इस कार्डबोर्ड के पीस को हम चार टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह से इतने में। फिर हम एक एक करके यहाँ पर चिपका देंगे। ये एक हो चुका है और ऐसे हम दो कट कर लेंगे और ये तीसरा और ये। सभी पीस हमने कट कर लिए इस तरह से आप देख सकते हैं। इस पीस को हम इस कूलर के इस तरह से हम इसको लगा देंगे कट करके। तो दोस्तों जल्दी से चिपकाते हैं। कुछ इस तरह से हमने इस पीसों को कट कर दिया है चार पीस और इस कूलर को हम इस तरह से लगा देंगे इस तरह से। ये इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ब्लू ग्राम हो चुका है, जल्दी से हम लेते हैं। दोस्तों जल्दी से हम इसको चिपकाते हैं, ये वाला भाग इधर इस तरह से हम यहाँ पर ब्लू लगा देंगे और यहाँ पर भी हमने ब्लू लगा दिया है अच्छे से। ये इसके थोड़े कुछ डस्ट उड़ रहे हैं, इसको भी हम लगा देंगे इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। सबसे पहले हम इसको भी हम लगा देते हैं। इस वाले पट्टी को हमने लगा दिया है ब्लू से। अब लास्ट इस वाली पट्टी को हम लगाते हैं यहाँ पर। इसको हम कैसे से कट कर लेंगे इसको भी हम यहाँ पर एक कट मार देगी और इसको हम चिपका देंगे। थोड़ा सा इधर हम कट कर लेंगे और ब्लू से हम इसको चिपका देंगे। फिर से हम यहाँ पर और ब्लू को चिपका देंगे। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जिससे आप हवा को मेंटेन कर सकते हैं, हवा की शोर आ रही है। अब हम ये लास्ट वाली पट्टी को यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको भी चिपका देंगे। इस पट्टी को हमने यहाँ पर चिपका दिया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है आप इस फेस का लुक। इधर हम ब्लू लगा देंगे। ये कूलर आप घर पे बड़े आसानी से बना सकते हैं। सभी को हमने चिपका दिया है और तो दोस्तों इन सभी पट्टियों को हमने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में और इस तरह से इस कूलर के ऊपर सभी को हम ब्लू से और ब्लू से चिपका देंगे अच्छे से। वीडियो को स्किप में चिपका के आपको बताते हैं, वीडियो थोड़ी बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों इन सभी पट्टियों को हमने कट करके
अब हम यहाँ पर चिपकाते हैं सभी को। तो दोस्तों एक एक करके हम सभी को चिपकाते हैं। सबसे पहले हम इस वाली पट्टी को चिपकाते हैं अच्छे से। इस तरह से हम यहाँ पर हम चिपका देंगे। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चूच लगा दिया है और एक इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। और इसको चलाने के लिए हम 19 वोल्ट की सप्लाई लेगी और ये हम 230 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी में डालेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस कूलर के दोनों वायर छील देंगे और कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको लाइट बोर्ड में डालते हैं और देखते हैं कितना अच्छा ये कूलिंग देता है। आप चाहे तो इसको ढक्कन खोल के इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, आइस, जिसे ठंडी ठंडी हवा आपको देखने को मिलती है। हम इसमें थोड़ा बर्फ़ ऐड करते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से ये ढक्कन को ओपन कर देते हैं और इसमें हम थोड़ा आइस डाल देंगे जिससे बहुत ही ठंडक होगी। एक करके सभी आइस को हम इसके अंदर डाल देंगे जिसे
आप चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम डाल दिया है पानी इसमें ठंडा पानी। हमने सभी आइस को डाल दिया है। अब हम इस ढक्कन को पैक करते हैं। हम थोड़ा ठंडा पानी लेके आते हैं, इसमें ठंडा पानी डालते हैं। क्या ये ठंडा पानी ठंडी हवा देगा? तो दोस्तों इसमें है बहुत ही ठंडा पानी, इसको हम डालते हैं इसके अंदर। और इस तरह से हमने इसको डाल दिया है। तो दोस्तों हमने पानी को डाल दिया, आप देख सकते हैं। अब हम ढक्कन को पैक कर देते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पानी को हमने डाल दिया है। अब हम इस कूलर को, ये कूलर बहुत ही ठंडा हो चुका है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब हम वायर कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस चीज को ओपन कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, आप देख सकते हैं। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब हम इसको रिवर्स करते हैं, देखते हैं कितनी अच्छी हवा आती है। हाँ दोस्तों बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, इसको हम पैक कर देते हैं। ये ओपन हो जा रहा है बार बार। और दोस्तों एसी जैसे हवा आ रही है, बहुत ही ठंडी ठंडी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए